प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद और उसके परिवार पर पुलिस की सख्ती जारी है। कहीं बुलडोजर से घर गिराए जा रहे हैं तो कहीं अवैध हथियारों को जब्त किया जा रहा है। अतीक के परिवार पर पुलिस की सख्ती का असर अब अतीक अहमद के पालतू कुत्तों पर भी पड़ रहा है। अतीक अहमद के करीबियों ने तो अतीक के परिवार से दूरी बना ली है, साथ ही अतीक अहमद के पालतू कुत्तों के पास अब कोई जाना भी नहीं चाहता। यही वजह है कि अतीक के चकिया स्थित आवास पर बंद विदेशी नस्ल के कुत्ते भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। इन्हीं में से एक ग्रेट डेन नस्ल की फीमेल डॉग ब्रूनो की गुरुवार को मौत हो गई। वहीं चार कुत्तों की हालत बेहद खराब है। बताया जा रहा है कि इन्हें कई दिनों से खाना पानी तक नहीं मिला है। आपको बता दें कि अतीक अहमद को विदेशी नस्ल के कुत्तों का शौक रहा है, इसी के चलते उसके चकिया आवास पर पांच विदेशी नस्ल के कुत्ते पाले गए हैं। अतीक के इन कुत्तों की बात की जाए तो इनकी उम्र 8 से 10 साल होगी। इनका वजन 45 से 90 किलोग्राम के बीच होगा। बताया जा रहा है कि सभी कुत्ते ग्रेट डेन प्रजाति के हैं, जो कि अतीक के परिवार की सुरक्षा के लिए रखे गए हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अतीक का चकिया आवास बंद पड़ा है, परिवार के लोग फरार हैं। पुलिसिया कार्रवाई के डर से मोहल्ले और पड़ोस के लोग भी इन कुत्तों को खाना पानी देने से थोड़ा कतरा रहे हैं। ऐसे में इन पांचों कुत्तों को कई दिनों से खाना नहीं मिला। आसपास के लोगों के मुताबिक कुछ लोग नजर बचाकर रोटी फेंक दिया करते हैं, लेकिन रोटी कुत्तों को पसंद नहीं आती क्योंकि उन्हें रोटी खाने की आदत नहीं है। और फिर जिस मात्रा में इन कुत्तों को खाना चाहिए उस मात्रा में इन कुत्तों को खाना नहीं मिल रहा है, इसी के चलते गुरुवार को ब्रूनो की मौत हो गई। आपको बता दें कि काफी समय पहले अतीक के घर की एक शादी में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव शामिल होने पहुंचे थे। तब अतीक यादव ने अपने पालतू कुत्तों से उन्हें मिलवाया था, जिसकी फोटो भी काफी वायरल हुई थी। लेकिन अब अपने मालिक के किए कारनामों की वजह से इन कुत्तों को भूखे प्यासे तड़पना पड़ रहा है।